अध्याय 14 उदाहरण 4। इस प्रश्न में एक वृत्तीय मैदान की त्रिज्या दी गई है 35 मीटर। एक वृत्तीय मैदान की त्रिज्या है 35 मीटर। यदि एक लड़का उसके चारों ओर 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 10 चक्कर लगा रहा है तो हमें यह ज्ञात करना है कि उसे 10 चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा। इसके लिए हम सबसे पहले उसके द्वारा 10 चक्कर में लगाई गई दूरी ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। यदि हम दूरी ज्ञात कर लें और चाल हमारे पास प्रश्न में दी गई है तो हम उसके द्वारा चक्कर काटने में लगाए गए समय का पता लगा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि उस लड़के ने एक चक्कर में कितनी दूरी तय की। एक चक्कर में लड़के द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी? वो होगी वृत्तीय मैदान की परिधि के बराबर। परिधि और वृत्तीय मैदान की परिधि होगी 2πr, जहां पर r का मान कितना है? 35 मीटर। पाई का मान हम रख ले 2 × 22/7 × 35। पाई का मान रखने पर हमें प्राप्त हुआ 2 × 22/7 × 35। इसे सरल कर ले तो हमें मिलेगा 7 × 7 = 35, 2 × 22 × 5, तो हमें प्राप्त हुआ है 220 मीटर। लड़के द्वारा एक चक्कर में लगाई गई दूरी कितनी होगी? 220। तो अब हम ज्ञात कर सकते हैं कि 10 चक्कर में लड़के द्वारा तय की गई दूरी। कितनी होगी वो? 10 × 220 मीटर, यानी कि 2200 मीटर। इसे हम लिख सकते हैं 2.2 किलोमीटर। लड़के द्वारा वृत्तीय मैदान के चारों ओर चक्कर लगाने की चाल कितनी है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि वह हर एक घंटे में कितना चलता है? 5 किलोमीटर। तो हम लिख सकते हैं कि 5 किलोमीटर तय करने में लड़के को लगा समय 60 मिनट। एक घंटा यानी कि 60 मिनट। तब 1 किलोमीटर दूरी तय करने में लड़के को लगा समय कितना होगा? बराबर होगा 60/5 मिनट। इसे हम थोड़ा सरल कर लें तो हमें मिलेगा 5 से काट लें इसे तो 12 मिनट। इसलिए 2.2 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय
बराबर होगा 12 गुणित 2.2, यानि हमें मिलेगा 26.4 मिनट। इसे हम क्या कह सकते हैं, 26 मिनट और 24 सेकेंड। इस प्रकार लड़के द्वारा वृत्तीय मैदान के 10 चक्कर लगाने में लगा समय है 26 मिनट और 24 सेकेंड।